खासकर ग्रामीण अंचलों में भारत के नौजवान इसके लिए तैयारी करते हैं कि हम सेना में जाएंगे, देश सेवा का जज्बा तो रहता ही है, परंतु एक स्थायी और सम्मानजनक नौकरी। और आप उसमें कह रहे हो 4 साल के बाद, यानी 17 साल की उम्र में जो बच्चा आज चला गया 21 में वो रिटायर हो जाए। योजना इतनी ही अच्छी है, पूरा देश इसके लिए बाहें फैला के खड़ा हुआ है, तो कुछ सेना ही क्यों नहीं इन बच्चों को अब्सॉर्ब करने की बात करती है, क्यों नहीं उनको 20-20 साल तक की नौकरियों की गारंटी देती है? ये क्या मजाक है बच्चों के साथ 4 साल की नौकरी, ये कोई नौकरी होती है? अंदर जहांगीरपुरी में आपने क्या अतिक्रमण हो रहा था? वो गरीब लोग, वो हिंदू भी है वो मुसलमान भी है, वो गरीब रेड़ी पटरी लगा करके अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे, आपने उनकी आजीविका के साधनों को आपने ढहाया है कि भारत के अंदर जो भी संविधान के मान्यताओं को, संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएगा, आप उसको सबक सिखाओगे? आप उनको पकड़िए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और कानून के शासन के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस हिरासत के अंदर आप उनके ऊपर डंडा चलाएं, और आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। ये कानून के शासन को उल्लंघन करते हुए किसी का घर तोड़ देना, किसी आरोपी को ही दोषी बना देना, उसकी एनकाउंटर कर देना, या हिरासत या अवैध हिरासत में रखना लोगों को, या हिरासत के अंदर रख करके लोगों की पिटाई करना, नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आप देखते आए हैं किस तरीके से लोग अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, और लगातार इसी तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी जो है बुलडोजर राज को लेकर हो रहा है। बुलडोजर राज के तहत जिस तरीके से लोगों के घर नष्ट कर दिए गए, उसी के चलते यहाँ पर जो है अभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं पूनम कौशिक जी, उन्हीं से अब जानते हैं क्या कुछ है ये बुलडोजर राज। मैम, जिस तरीके से बुलडोजर राज के तहत लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, आज ये CPIML नो डेमोक्रेसी की दिल्ली कमेटी आज यहाँ पर आई है कानून के शासन को बुलडोजर के द्वारा बुलडोज किए जाने के खिलाफ। कॉमरेड डॉक्टर आशीष मित्तल, जो अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के अखिल भारतीय सचिव हैं, उनके ऊपर जो प्रयागराज में 10 जून की घटनाओं को लेकर जो आरोप लगाया गया और उनको FIR में नामजद किया गया है, उस मामले को वापस लेने के लिए और अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर यहां पर आज दिल्ली के तमाम मजदूर, नौजवान, बुद्धिजीवी और विभिन्न संगठनों के लोग हम यहाँ पर आए हैं। और मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से योगी शासन पूरा भारत के कानून के शासन को जिस तरह से उल्लंघन कर रहा है, आज उसका विरोध करने की बहुत तीव्र आवश्यकता है, क्योंकि भारत का कानून एक तरफ भारत के नागरिकों को विरोध करने का अधिकार देता है, भारत के अंदर संविधान का राज है और भारतीय संविधान भारत की विविधता में एकता को रक्षा करने की बात करता है। भारत एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तरह तरह की खुशबुओं से महकता हुआ हमारा ये गुलशन आज उस महक को, उस विविधता की महक को ये तमाम हिंदुत्व की ताकतें, ये RSS नीत भाजपा सरकार जिसका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद, जो कि पूरी तरह से कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक है, उसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है, और ये भारत की विविधता को नष्ट कर देना चाहता है। और आज इसी कड़ी के तहत हमने देखा कि 10 जून को जो इलाहाबाद की घटना हुई है, उसमें शाम के समय ADG प्रेम प्रकाश साहब ने जिस तरह का बयान दिया कि 10 जून की घटना में जो CAA प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने रोशन अली पार्क के अंदर शाहीनबाग की तर्ज के ऊपर लंबा आंदोलन चलाया CAA के खिलाफ, उनमें से कई सारे एक्टिविस्ट का नाम लेते हुए, और उसी में क्योंकि AIKMS के जो साथी हैं कॉमरेड आशीष मित्तल, AIKMS भी उसमें एक्टिव थी CAA के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि आशीष मित्तल और तमाम CAA विरोधी लोगों को वो जिम्मेदार है इस घटना के लिए। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये विरोध करना लोगों का अधिकार है। शाहीन बाग एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत के संविधान के ऊपर जो हमला किया गया था उसके खिलाफ जनता का प्रतिरोध था, और उसके कार्यकर्ताओं को अब ये इस तरह के झूठे मुकदमों में फंसाना, खासकर आशीष मित्तल जी जो कि AIKMS के महासचिव है, AIKMS वो
ऐसा किसानों का संगठन है जिसने अभी कॉरपोरेट परस्ती, खेती को कॉरपोरेट परस्ती के खिलाफ जो किसानों का लंबा आंदोलन चला है उसमें आई केएमएस की मुख्य भूमिका थी, और एक देश के अंदर ऐसा भार है जिसमें मजदूर किसान बेहतर जीवन जी सके, जिसमें सबको रोजगार मिले, ऐसे भारत का सपने के लिए, ऐसे भारत के निर्माण में लगे हुए एआई केएमएस और उसके नेतृत्वकारी साथी के ऊपर मुकदमा बनाना हम समझते हैं ये योगी सरकार के द्वारा कानून के शासन का खुला उल्लंघन है। और दूसरी बात, जिस तरह से 10 जून के घटना के लिए जावेद मोहम्मद के घर को ढाया गया और समाचार पत्रों के द्वारा ये बात सामने आ रही है कि वो घर उनका था ही नहीं, उनकी पत्नी के नाम पर घर है वो, तो आप पहली बात कि उनकी पत्नी के नाम पर घर है बिना उनको नोटिस दिए, और नोटिस देने के बावजूद भी जब तक आप किसी व्यक्ति को ये मौका नहीं देते हो कि वो प्रशासन के सामने इस बात को रख सके, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके, आप कई बार ऐसा लगता है कि केवल कागजों की खाना पूर्ति करने के लिए ही आप जो ये एक औपचारिकता करते हैं, और आपने बार बार इस तरह का बयान भी कहे हैं कि आरोपी है इसलिए हम उनका घर ढहा रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं भारत का कोई कानून आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप आरोपी होने की वजह से ही आप किसी का घर ढहा देंगे, आप आरोपी होने की वजह से ही किसी के ऊपर एनकाउंटर कर देंगे, आप आरोपी होने की वजह से आप जो है पुलिस के लॉकअप में लड़कों को रख करके आप उनकी पिटाई करेंगे, इस तरह से ये कानून के शासन का उल्लंघन भारत के लोगों को नामंजूर है। और हम कहना चाहते हैं कि आपने भारत के संविधान की रक्षा की शपथ ली है, हम पूछना चाहते हैं उस IPS ऑफिसर से, उन तमाम ब्यूरोक्रेट से कि आप किसी सरकार की चाकरी करने के लिए नहीं आए हैं, आप अगर आपकी जिम्मेदारी है या आपका जो आपकी अगर जवाबदेही है तो भारत के संविधान की मर्यादा को सुनिश्चित करने की आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से ना चूकिए और भारत के अंदर कानून का शासन बनाम बुलडोजर राज में आप कानून के शासन के सर्वोपरि होने को आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अवैध निर्माण है, ऐसा कहा जा रहा है अवैध निर्माण है, हम उसी को नष्ट कर रहे हैं, बाकी जिनको अगर नष्ट करने की हम कोशिश कर भी रहे हैं तो उससे पहले हम उन्हें नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद वो लोग विरोध कर रहे हैं तब हम ये जो है उस पर बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए सवाल यही है कि अवैध निर्माण को जो नष्ट करने की प्रक्रिया है या अतिक्रमण को नष्ट करने की प्रक्रिया है, एक क्लॉज होती है नेचुरल जस्टिस की कि जस्टिस सिर्फ दिखे, जस्टिस हो रहा है सिर्फ ये काफी नहीं है, जस्टिस दिखना भी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आपने कागज की खाना पूर्ति करती कि आज आपने 10 तारीख की रात को आपने नोटिस दे दिया जबकि अगला दिन शनिवार है, सेकंड सैटरडे है कि 12 तारीख को आपका घर ढा दिया जाएगा, आपने तो उस व्यक्ति के पास अदालत को अप्रोच करने का मौका ही नहीं दिया, ये आप किस तरह की बात करते हैं। आपको 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 मौका दिया, मौका देना होगा लोगों को कि भाई। और दूसरी बात है, ये तो पूरा जावेद अहमद के सवाल पर तो हमने जिस तरीके से देखा कि जिस तेजी के साथ, और जो वो नोटिसेज हैं जिसमें कहा गया कि 25 मई को आपको बोला गया, 24 मई को, मई की कुछ कुछ तारीखों को उन्होंने उल्लेखित किया है, तो हम ये बात कहना चाहते हैं ये तो अब ये भी एक ट्रायल में सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि क्या वो नोटिस वास्तव में दिए गए थे, क्या उन्हें चस्पा तो नहीं कर दिया गया था, और चस्पा भी कर दिया गया क्या बिना बताए चस्पा कर दिया गया। और दूसरी बात, इसमें तो विशेष करके ये है कि घर उनकी पत्नी के नाम पर है। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो अब आप ये बात कह रहे हैं कि घर जब हम अतिक्रमण के नाम पर घर ढा रहे हैं, तो ये अतिक्रमण के नाम पर घरों को ढहाने का आप दरअसल में सिलेक्टिव होकर के घर ढा रहे हैं। आप हमने दिल्ली के अंदर देखा ये बात कि दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में आपने क्या अतिक्रमण हो रहा था, वो गरीब लोग, वो हिंदू भी हैं, वो मुसलमान भी है, वो गरीब रेड़ी पटरी लगा करके अपना दो वक्त की रोटी कमा रहे थे, आपने उनकी आजीविका के साधनों को आपने ढहाया है। ये आप कौन सी बात करते हैं कि आप जो है अतिक्रमण को हटा रहे हैं, आप अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं, आप दरअसल में ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो भी संविधान के मान्यताओं को, संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएगा, आप उसको सबक सिखाओगे इस तरह की बात करके, तो ये हमको मंजूर नहीं है। इस तरीके से आप भारत के संविधान के तहत बाध्य हैं और आपको उसी के तहत काम करना होगा। अभी तो जिस तरीके से जुम्मे की नमाज वाले दिन जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बहुत लगातार इतना कुछ हुआ, आक्रोश लोगों ने किया, खून खराबा तक हो गया, दंगे तक हो गए, तो उसी के चलते तो उन लोगों पे जो है हिंसा का
प्रोटेक्ट करते हुए, उनके मतलब लगाते हुए, ये आरोप लगाते हुए हिंसा की है, उन्हीं लोगों को तो पकड़ा गया है फिर? देखिए हमने तो ये नहीं पकड़ा तो जा रहा है जी, जो हिंसा कर रहे हैं उन्हीं को ही डाला जा रहा है जी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि नंबर वन, हमने ये नहीं कहा है कि जिन्होंने हिंसा की है उनको मत पकड़िए। हमारा विरोध इस बात पर है कि भाई आप जिन्होंने उस दिन हिंसा करी आप उनको पकड़िए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और कानून के शासन के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस हिरासत के अंदर आप उनके ऊपर डंडा चलाएं, आपको नंबर वन। नंबर दूसरी बात यह है कि आपको, आपने जिस तरह का बयान दिया, ADG है आप, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर है, आप बयान देते हैं कि ये पूरी घटना के अंदर CA विरोधी लोग, और उसमें आपने डॉक्टर आशीष मित्तल को भी आरोपी बना दिया। आप जिन्होंने हिंसा की आप उनको उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, ये क्या तरीका होगा? और आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, ये कानून के शासन को उल्लंघन करते हुए किसी का घर तोड़ देना, किसी आरोपी को ही दोषी बना देना, उसकी एनकाउंटर कर देना, या हिरासत, या अवैध हिरासत में रखना लोगों को, या हिरासत के अंदर रख करके लोगों की पिटाई करना, ये तो ये अस्वीकार्य है, ये नहीं हो सकता। और आशीष मित्तल के ऊपर ये बात लगाना कि वो 10 तारीख की घटना में शामिल थे, हम समझते हैं ये बिल्कुल निंदनीय बात है। आपने जो है वो AIKMS के लीडर हैं, वो इस तरह के हिंसा में कभी शामिल हो ही नहीं सकते, ना उनका संगठन हो सकता, ना वो इस तरह के हिंसा के पैरोकार है। आप किस तरह से उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा आप दर्ज कर सकते हैं, ये बिल्कुल। और जब आप आशीष मित्तल जी के ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज करते हैं और साथ में आप कहते हैं कि जिन्होंने भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो इससे तो प्रूव होता है कि आप एक्चुअली आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक समुदाय के विरोध में और उन ताकतों के विरोध में जो ताकतें भारत के संविधान की रक्षा के लिए आगे हैं, वो संविधान जो भारत की जनता को बेहतर जीवन जीने का अधिकार देता है और जिसकी रक्षा में लोग आगे आ रहे हैं, आप उनको टारगेट बना के कार्रवाई कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी लगातार जो आगरा में हिंसा हुई थी, मथुरा के पास जो हुई थी, उसके बाद फिर हमने देखा रांची में इतना दंगा फसाद हुआ, उन्हीं लोगों के जो है फोटोज़ जो है चस्पा किए गए हैं, उन्हीं लोगों की हिंसा में जो है फोटोज़ लगाई गई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अब कार्रवाई देखिए ना कि हो तो रही है कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई के तहत उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, तो उसकी जो भी आएगा रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करना चाहिए, उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन पत्थरबाजी हो जा रही है इस तरीके से। यही तो अभी जामा मस्जिद पे भी इस तरीके का हुआ, जैसा कि देख सकते हैं किस तरीके से उस दिन भी जुम्मे की नमाज थी और फिर हिंसा भड़क गई सब जगह। देखिए यही बात तो हम कह रहे हैं ना कि अगर कोई आरोपी है तो जब तक वो दोषी करार नहीं हो जाता आप उसको दोषी क्यों मानते हैं, क्यों आप उसके घर को गिरा रहे हैं, क्यों आप उसके ऊपर एनकाउंटर कर रहे हैं? यही सवाल तो हम भी सरकारों से पूछना चाहते हैं कि दोषी होने से पहले ही आप आरोपी को आरोपी क्यों नहीं रहने देते हैं? दोषी है या नहीं ये भारत की अदालतें तय करेंगी, ये अधिकार अदालतों को है तय करने का। आप करवाइए ना, आप उचित जांच करवाइए, आप पहले ही उनके फोटो कैसे लगा सकते हैं, आप पहले से उनके ऊपर जो है फाइन कैसे लगा सकते हैं, आप पहले से उनके घरों को कैसे तोड़ सकते हैं, आप पहले से उनके उनको हिरासत में आपको पिटाई करने का अधिकार किसने दे दिया है? आरोपी तो आरोपी है ना, और पुलिस किस तरह से काम करती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसीलिए जो है भारत के अंदर कानून का शासन है कि कोई आरोपी दोषी तभी होगा जब कोर्ट उसको ये दोषी होने का करार देगी, आप आरोपी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते हो। अभी मेरा सवाल ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट की समझ रखते हैं, वहाँ से वकील हैं, तो अग्निपथ जो अभी लाया गया है उसको चलते जो है लगातार जो है युवा अब आगजनी कर रहे हैं, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी बसों को ट्रेनों को आग लगा दे रही है, कहाँ हद तक सही है? देखिए कुछ खामियां हैं, बहुत अच्छी स्कीम लाई गई है जबकि बताया जा रहा है पूरे जो सेना के प्रमुख है, तीन प्रमुख वो तक बता रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, उसके तहत 4 साल के बाद वो दूसरी नौकरियां भी कर पाएंगे, कॉर्पोरेट हाउस में उनको जॉब्स मिलेगी, फिर क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है? देखिए यही सवाल है कि भाई भारत के तीनों प्रमुख जो है अभी वही बात बोल रहे हैं जो भारत की सरकार बोल रही है, ये भी एक विचित्र सी चीज़ हो रही है। और भारत के बहुत सारे रिटायर्ड और अति वरिष्ठ पदों से रिटायर्ड सेना के विभिन्न सेनाओं के अफसर जो है वो बार बार कह रहे हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम जो है भारत की सेना को कमज़ोर कर देती है, ये भारत की जो पहले से भारत की विश्व स्तरीय सेना है उसको कमज़ोर कर देगी ये अग्निपथ स्कीम। तो जो है ये योजना दरअसल में जिस तरह से पूरा ठेकाकरण
भारत के अंदर नौकरियों का चल रहा है लंबे समय से, जो एलपीजी के समय से और तेज हो गया, यानी कि 90 के दौर में जब से भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियाँ कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाई गई और उसको ही मोदी सरकार बहुत तेजी के साथ लागू कर रही है। और अब ये ठेकाकरण की नीति ही भारत की सेना के लड़ाकू इकाइयों में लागू करने का नाम है अग्निपथ योजना। और भारत का नौजवान है उसको स्थायी और सम्मानजनक रोजगार का अधिकार है। भारत का एक बहुत बड़ा, खासकर ग्रामीण अंचलों में भारत के नौजवान इसके लिए तैयारी करते हैं कि हम सेना में जाएंगे, देश सेवा का जज्बा तो रहता ही है परंतु एक स्थायी और सम्मानजनक नौकरी। और आप उसमें कह रहे हो 4 साल के बाद, यानी 17 साल की उम्र में जो बच्चा आज चला गया 21 में वो रिटायर हो जाएगा, आप बात कह रहे हो कि उसको कॉरपोरेट घरानों में जो है गार्ड की नौकरी मिल जाएगी, अंततः तो वो गार्ड की नौकरी करेगा। आप जरा आज देख लीजिए जो गार्ड है ना, बहुत सारे दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए, दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में देख लीजिए गार्ड की नौकरी में क्या तनख्वाह मिल रही है, 15,000 रुपये, और जो कि सरकारी वेतन, जो कि सरकारें कहती है न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उससे भी कम न्यूनतम वेतन मिल रहा है। और आप बात कह रहे हो अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है, पूरा देश इसके लिए बाहें फैला के खड़ा हुआ है, तो कुछ सेना ही क्यों नहीं इन बच्चों को अब्सॉर्ब करने की बात करती है, क्यों नहीं उनको 20-20 साल तक की नौकरियों की गारंटी देती है। ये क्या मजाक है बच्चों के साथ, 4 साल की आप चार साल की नौकरी, ये कोई नौकरी होती है? आप इस तरह की ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो कि न्यू लेबर कोड्स के अंदर एक योजना भी है कि सब नौजवान को या जो भी काम करेगा उसको केवल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट तो भारत के नौजवानों के साथ मजाक है ये। इसलिए ये योजना अविलंब वापस होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस तरह की जो रोजगार होता है वो भारत के बच्चों का अधिकार, लड़कों का अधिकार है, लड़के लड़कियों का अधिकार है। ये इस तरह से आप लीज पर ये कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद आप ये बात कह रहे हो कि 75% लड़कों को वापस निकाल दिया जाएगा, क्या सम्मान रहेगा एक लड़के का जब उसको ये सुनने को मिलेगा कि तेरे अंदर कोई कमी रही होगी तभी, नहीं तो 25% में तू क्यों नहीं था जिसको एब्जॉर्ब किया गया। तो इस तरह की जो ये नीतियाँ हैं, हम समझते हैं ये बिल्कुल एक ये जन विरोधी नीतियाँ हैं, ये रोजगार विरोधी नीतियाँ, ये भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए नौजवानों को व्यापक तौर पर संगठित और एक सामूहिक और एक ठेकाकरण की कुल नीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना होगा। अभी जो है हमने सुप्रीम कोर्ट की ही वकील हैं पूनम कौशिक जी, उन्हीं से हमने बात की, जाना किस तरीके से बुलडोज़र का रास चल रहा है, किस तरीके से जब भी सभी जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे लोग उनके घरों पर जो है लगातार बुलडोज़र चला दिए गए, उसके बाद जो है लगातार अब अग्निवीर जो है आग लगाते फिर रहे हैं, आगजनी करते फिर रहे हैं, फिर अग्निपथ को लेकर के जिस तरीके से अब स्कीम ला दी गई उसके तहत जो है सेना के प्रमुख तक उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से सत्ता में बैठी सरकार है वो भी अच्छाइयाँ बता रही है, पीएम मोदी भी इसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, लेकिन अभी जो है लोग समझ नहीं पा रहे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उसी पे हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो है उनका भाषण था, लेकिन हमने जितना समझा अग्निपथ को और जितना समझा बुलडोज़र राज को, आप भी समझ सकते हैं किस तरीके से बुलडोज़र राज के तहत लगातार ऐसे लोगों के घरों को ही तोड़ा जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है लोगों का भी। और इन मैम से भी हमने, पूनम कौशिक जी से भी बात की, उन्होंने भी बताया आप देख रहे थे किस तरीके से जो है बुलडोज़र राज के तहत घरों को तोड़ दिया जा रहा है, लोगों के ऊपर UAPA तक लगा दिया जा रहा है, पत्थरबाजी कर रहे थे जो उनके ऊपर UAPA लगा दिया जा रहा है, धाराएँ लगा दी जा रही हैं और उसी के तहत जो है उनको अंदर जेलों में डाल दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से देश में एक लोकतंत्र की जो है हत्या होती हुई नज़र आ रही है, या फिर जो न्यायपालिकाएं हैं शायद आखिरी सांसें ले रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोगों का कहना है, शायद न्यायपालिकाएं और जजेस आखिरी सांस हमारा लोकतंत्र ले रहा है ऐसा बताया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।